नमस्कार, मैं हूं रूपाली। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपकी पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर के राजीव गांधी नगर के नागरिक पिछले 2 साल से रास्तों को लेकर परेशान। कई बार शिकायत करने पर भी प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। और अब यहाँ के नागरिकों द्वारा सड़क निर्माण के लिए महानगर पालिका से जेल भरो आंदोलन की चेतावनी। भद्रावती में ग्रामीण अस्पताल की सफाई महिला कामगार के पति उम्र 49 वर्ष देवानंद वालकी ने क्वार्टर में लगाई फांसी। बताया जा रहा है कि कर्ज के बोझ के तले की गई आत्महत्या। आगे की जांच भद्रावती पुलिस कर रही है। लॉर्ड मेटल्स कामगारों का मसीहा बने सांसद बालहानोरकर। कई परिवारों में आज खुशी की लहर। कारखानों के कुल 434 कामगार के विविध समस्याओं का हुआ समाधान। कामगारों पर अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, सांसद ने कारखाने के प्रबंधक को लगाई फटकार। लंबी ध्वजा रोग से बाधित मवेशियों के लिए 2,30,000 टीकाकरण उपलब्ध कराने की योजना। जान ले कि बीते दिनों 64,000 टीकाकरण का किया गया था वितरण। पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दी जानकारी। देखिए इन तस्वीरों को। बीते दिनों सिरगाड़ा झोन में 2 बाघ, 1 बाघिन और 3 शावक के हुए दर्शन। भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्था को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मूल तहसील फुलजनी गांव के रहवासी देवीदास स्वयं को सांबर शिकार करने के मामले में गिरफ्तार कर सांबर का मांस भी किया जब्त। मुक्ताई के पर्यटकों के लिए निराशाजनक खबर। मुक्ताई पर कोरोना का साया। चिमूर तहसील के डोमा गांव के पास स्थित मुक्ताई में जाने पर लगाई रोक। मुक्ताई के प्रवेश द्वार पर पुलिस की तैनात। पर्यटकों को कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए पर्यटन स्थल पर न आने का किया आह्वान। स्वतंत्रता दिन के अवसर पर विधायक किशोर जोरगेवर के हाथों गुण विपरीत तहसील के भंगाराम तलोदी के अनिकेत दुर्गे नामक एक युवक का किया सत्कार। बता दें कि इस युवक ने कोरोना महामारी के दौरान कई जरूरतमंदों की मदद। आरोग्य तथा आशा सेविकाओं का सराहनीय कार्य। हरागंज घना जंगल, ऊपर से पानी से भरा बैता नाला, ऐसे परेशानियों का सामना कर एक आदिवासी महिला की प्रसूति एक पेड़ के नीचे किए जाने की अहरी तहसील की यह घटना आई प्रकाश में। कुछ ही देर में मिली सफलता। उस महिला ने एक मासूम बालिका को दिया जन्म। भामरागढ़ वासियों ने ली राहत की सांस। भामरागढ़ में बाढ़ का पानी अब कम होते दिखाई दे रहा है। बता दें कि 2 दिन से भामरागढ़ का संपर्क दुनिया से टूट चुका था। खेत के पोते पोतियों में से उम्र 10 वर्ष की एक कांचन शहरे नामक बालिका की खेत के पास स्थित नाले में डूबने से हुई मौत। तो वही दादाजी का ध्यान जाते ही एक पोते को बचाने में मिली सफलता। बीते दिनों गोंदिया मसवाने में घटिया घटना। राज्य के उच्च तथा तंत्र शिक्षण विभाग की ओर से 10 अगस्त से पॉलिटेक्निक में प्रवेश प्रक्रिया की गई शुरू। बता दें कि राज्य में पॉलिटेक्निक के 1,17,824 जगह है। ऑनलाइन खरीदी करते हो तो हो जाइए सावधान। ऑनलाइन साड़ी बुलाना पड़ा महंगा। साड़ियां बुलाने पर साड़ियां निकली खराब और कंपनी ने पैसे लौटाने के बहाने पूछ लिया पासवर्ड। बस और क्या, इन महिलाओं के अकाउंट से हो गए 1.5 लाख गायब। दिग्गज कंपनियों में बिग बारी से घरेलू बाजार में बीते सप्ताह सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दिखाई दी। अब बाजार विशेषज्ञों का कहना, आने वाले सप्ताह में भी वैश्विक संकेतों का असर बाजार पर हावी रहने की संभावना। कोरोना काल के रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के चलते लोग घर में हो चुके हैं बंद, जिसके कारण व्यायाम और सूरज की किरण तथा सही आहार की ओर ध्यान न देने से कई लोगों के शरीर में जीवन सत्व डी की कमी दिखाई दे रही है। देश में 70 से 100 लोग हड्डियां, दांत तथा स्नायु संबंधित रोग से परेशान, डॉक्टर्स का है कहना। तो सीटीवी न्यूज हर गरम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।